तो गाइज आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग की लास्ट क्लास थी और अब हम जा रहे पार्टी करने, लाइक कि आज आखिरी क्लास है तो सर को थोड़ा बहुत छोटा मोटा फेयरवेल देते हैं और वहाँ पे एक ओपन माइक भी होगा और अभी तो हम वेट कर रहे हैं बाकी लोग का, बाकी लोग आ जाए। ये अपने गोविंद भैया। हेलो गाइस, तो आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लास्ट क्लास था। कुछ भी नहीं था गाइस, सब दिमाग खराब कर रहे हैं मेरे, मुंह से गालियां निकलने वाली हैं। ये जाएगा कहीं पे भी, ठीक है? तो ये तो अच्छा कंटेंट है, ये सबसे अच्छा कंटेंट है। अभी हमारी डिजिटल मार्केटिंग की लास्ट क्लास थी और हम और हम तो गाड़ी आ गई है, बुला मुझे ले जाएगा वो, और हम वेट कर रहे हैं और वो काफी लेट लगा रहे हैं, तो सबका गर्मी में दिमाग गर्म हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ ओपन माइक भी है, आपको दिखाएंगे। ओके चलो, गाइस फाइनली पहुंच गए। हम रेस्टोरेंट आ चुके हैं और अभी एक एक करके हम अपनी स्टोरीज सुना रहे हैं, और अभी अंकिता अपनी स्टोरी सुना रही है, उसकी जर्नी और कैसे वो यहाँ तक आई। लाइक मैंने भी अभी सुनाया, मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके कुछ ग्लिम्स मैं डाल दूँगा। और सब बैठ के सुन रहे हैं अपनी अपनी स्टोरीज, दूसरों की स्टोरीज, तो बस यही चल रहा है। इसके बाद हम खाना खाएंगे। ओके, और ये हमारे इंडस्ट्रियल टीचर हैं जो सर्टिफिकेशन सब्जेक्ट होगा आपका, उसके लिए बाहर से टीचर आते हैं, मेनली जो इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं, तो वो आके आपको पढ़ाएंगे, और वही हमारे ये दो टीचर हैं, उनसे काफ़ी कनेक्ट कर लिया बच्चों ने, तो ये सब पार्टीज होते हैं। भाई मेरे को भी वॉइस ओवर देना है भाई। हाँ दे दो, बोलो क्या बोलो। कुछ भी बट हम एक हॉरर स्टोरी शेयर करेंगे। हॉरर स्टोरी, और सुनो, हॉरर स्टोरी का नाम है कन्फेशन ऑफ अ वर्टो। ओके, कन्फेशन ऑफ अ वर्टो, वी आर द वर्टोस। नहीं समझे हॉरर स्टोरी कैसे है? समझाओ अरे यार, कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। वैसे जब हम आए थे तो यहाँ आने से पहले वो नेवर आई हैव एवर, मैंने देखी थी, मुझे लगा था कॉलेज वैसा ही होगा, बट वैसा कुछ तो निकला नहीं, ना पार्टी है ना ढंग के बच्चे ही हैं। ठीक है, तो मैंने नेवर आई हैव एवर देखा था, ना यहाँ पे ढंग के बच्चे मिले, ना मुझे पार्टी ही मिली कन्नू की चाय के अलावा, है ना। और मैंने स्विमिंग भी ज्वाइन किया कि कोई पैक्सन योशीदा जैसा मिलेगा। बट कोई बात नहीं, चाय प्रगति पर है, चाय अभी भी कुछ साल पड़े हैं। एक साल बोले, एक बट एलपीयू में आके मुझे क्या मिला हम बताते हैं। क्या मिला? वो 500 एपिसोड वाला कौन सा था, साथ निभाना साथिया, उससे भी ज्यादा उसकी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा लंबा मुझे यहाँ से सिलेबस मिला, ठीक है? सच में मुझे सीरियली मिले। अच्छा, एलपीयू में आना किसी हॉरर कौन से कम पागल हो क्या तुम? मुस्कर नहीं यार, मुझे तो सर अच्छी बातें यही है सर, बढ़िया बढ़िया टीचर्स मिले जिनके साथ हम लोग ऐसे नहीं सर, बढ़िया बढ़िया टीचर्स मिले, बढ़िया एलपीयू में टीचर्स। रुपए कैसे कमाएगा? एग्जैक्टली, मैनेजमेंट द एडीज एमबीए बाय एडीज अंकित एंड माय फ्रेंड दीपक।
भाई तुम्हारे, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, उसमें डीज है ना, तो दोनों दीपक या एक दीपक? ए डी और वो एपोस्ट्रोफी एस, मतलब उन का वाला। अच्छा, अंग्रेजी मत सिखा। तो ब्लॉग के पहले थोड़ा सा पीछे जाए, जब एफबीए में यहाँ से ग्रो कर रहा हूँ, और नाउ जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी है। मुझे खुद कंटेंट पूरा जर्नी थी वो शुरू हुआ, और लकली मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतनी अच्छी क्लास मिले कि मेरा कंटेंट बनते जाता है और इंजॉय होते जाता है, खासकर हॉस्टल में भी। और यहाँ इतनी चीज़ें होती हैं, थैंक यू ये कह सर, मैं भी आपके दूसरा भेजता हूँ। थैंक यू सर। तो आपकी जब आते हैं तो सर सिर्फ एक चीज़ है, तो ओनली वन सजेशन है कि जो भी आप करना चाहते हो कंसिस्टेंसी रखो, कंटिन्यूएशन में रखो, डोंट ब्रेक दैट। एक्शन और स्टोरीज ख़त्म हो चुकी हैं और सब खाने पे टूट पड़े हैं, और ये अपने लोग खाने पे। हाँ हाँ नहीं 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 अभी मैं खाने आ गया हूँ। क्या शादी वाला ब्लॉगर बन रहा है क्या? शादी वाला ब्लॉगर जो सबके कैमरा में घुस जाता है, लेके कैमरा। अच्छा, नाइस। खाने कैसा लग रहा है? खाना बहुत बढ़िया, अभी तो मैंने खाया भी नहीं। हाँ बताइए, नान उन लेके आओ यार, कहाँ गए अंकित जी के नान लेके लिए आइए। अंकित जी जल्दी से रिव्यू बताइए, अभी तो मैंने खाया नहीं। क्या खाएंगे सबसे पहले? चलिए ओह शिट, बहुत बढ़िया है गाइस, बहुत बढ़िया भाई, ये झूठ बोल रहा है। ओके गाइस, मिलते हैं खाने के बाद। गाइस सर ने हमें टी शर्ट भी दी फैल्कन मीडिया की, और स्पाइडर्स की भी हमें टी शर्ट्स मिली है, तो अभी सबको मिली है लगभग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गुडीज बटी है, मैंने किया था, मैंने रैंक स्पाइडर मैंने किया था, मैंने किया था पार्टिसिपेट, लेकिन मेरा ये ले रही है। नहीं नहीं वो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी एस साइज पहना था। देखिए गाइस, मेरा स्टैंड अप कॉमेडी डालोगे ना? मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, सॉरी। फोटोज दी थी। सो हम लोगों ने रैंक स्पाइडर की टी शर्ट पहनी है, और आप लोगों ने फैल्कन मीडिया, यू ब्लडी राइवल्स, गेट आउट। ओह शिट, ये क्या हो गया? क्या हुआ? ब्लॉग खराब हो गया। ओ माय गॉड, नहीं यार कुछ खराब नहीं हुआ है, स्टार्ट। हाँ, तो मैंने रैंक स्पाइडर की टी शर्ट पहनी है। हाँ। ये हमारा पीछे आईडी का यूआरएल दे रखा है। हाँ। आप लोग इसको इस साइड पे जा सकते हैं, यहाँ से। हाँ। और आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? यहाँ से फैल्कन मीडिया का। तो अब सर लोग विदा ले रहे हैं गाइस, अपने गुडीज दे के। हमारी इन्फ्लुएंसर का है ये, हमारी इन्फ्लुएंसर। तू बोली तू ब्लॉग में लेता नहीं है, ब्लॉग में ले रहे हैं, कुछ बता ऑडियंस को हमारे। ये हमारी इन्फ्लुएंसर है गाइस, बड़ी इन्फ्लुएंसर, और इन्होंने कंपनीज के साथ कोलेबरेट किया। कौन सी कंपनी? मैंने निव्या के साथ किया है, डव के साथ किया है, ग्रेट। नहीं वॉच और अपने आप नेगेटिव करना शुरू है। नहीं नहीं भाई, ये सोच लो चार बार देखता हूँ तुम्हारा एक वीडियो। ओहो वाह, थैंक यू, इस बार का हाथ मिलाओ। चार बार देखने के बाद तब तुमको थोड़ा व्यूज मिलता है। थैंक यू भाई, आप ही के बदौलत से यूट्यूब चैनल चल रहा है, सारे हमारे चल रहे हैं भाई। फैल्कन का प्रमोशन करो यार, फैल्कन मीडिया गाइस, यहाँ से इंडस्ट्री के टीचर आए थे। फैल्कन फैल्कन सॉरी माय बैड,
अब जा रहे हैं सर, हमारे वो सर भी चले गए, ये सर बच्चे हैं, धीरे धीरे सब अपनी अपनी गाड़ियों पे बैठ के निकल रहे हैं। और ये लोग पहुंच गए अपने एलपीयू में, और ये उनकी चेकिंग, जैसे लगता है हम बॉम्ब वॉम लेके आएंगे। लाए हैं एक पौवा आ गया, ये सब नहीं बताना भाई, अबे पौवा आ गया अंदर गलती से, उन्होंने चेक नहीं किया, ये सब नहीं बताना होता। ग्लास खरीद के रखना, ग्लास ठीक है, ग्लास खरीद के रखना, बॉटल लेके आ रहा हूँ, दूध का बॉटल गाइज। हेलो गाइज, ओके आई एम उत्कर्ष, आई एम शूटिंग द, अच्छा रुक जाओ, लोग कनेक्ट नहीं करेंगे इतना फॉर्मल कर, ये कट कर। राम राम भाई और सारे ने, मैं उत्कर्ष, रुक जाओ फिर से, नहीं कुछ नहीं बोलना, ठीक है उत्कर्ष बनता हूँ। ओके भाइयों, मैं उत्कर्ष अंकित का आज ब्लॉग चैनल में शूट कर रहा हूँ। ये अंकित भाई हमारे, और ये हमारे अनुराग भैया। अब कुछ समय बाद उत्कर्ष का ब्लॉगिंग चैनल आएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। हाँ हाँ भाई, बहुत जल्द आने वाली है, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में हमारा भी ब्लॉग आने लगेगा एलपीयू से। गाइस, रात के 10 बजे का एलपीयू 2 मई, और देखिए आप, और ये देख रहे हैं आप, ये हमारी टीम जो कि गई थी हमारे इवेंट में, ये अपना देवांश भाई फ्रॉम हल्द्वानी, उत्कर्ष फ्रॉम लखनऊ, अंकित राज फ्रॉम प्रयागराज, अरियन फ्रॉम राजस्थान, एंड काव्या फ्रॉम कानपुर। अब इधर आते हैं हमारे दादा जो कि आज के चीफ होस्ट गेस्ट थे, और इनको लास्ट में इवेंट को वाइंड अप करना था, बट हुआ ऐसा कि इनको खाने की याद आ गई, नहीं 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 खाने के आगे बोलना छूट गया। हमारे द्विवेदी जी चल रहे हैं साथ में, रौतेला जी, तो कैसा लगा आपको? आपका कुछ भी था नहीं, प्रेडिक्शन भी नहीं था कि आपको जाना है, पर आप गए हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? खाना मिल गया भाई। हाँ, खाना मिल गया, और उसके बाद खाने की कोई सजा तो नहीं थी जो आपने पाई हो? वहाँ पे ऐसा था कि अगर आप फूड को वेस्ट करते हैं तो 100 रुपए फाइन लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दादा आप क्या कहना चाहेंगे, आपके कुछ विचार? एक हमारा लौंडा चला गया है ग्रीन वैली में, ऋतिक भैया नहीं है यहाँ पे, जिसने राउंड 3 भी लगाया था, क्या कहना चाहेंगे? राउंड 3 लगाया, किसने लगाया? ऋतिक ने। खाने में अभी बात खाने की चल रही है, तो आप दूसरे राउंड पे मत जाइए, लेवल सभी के निकलेंगे, लेवल सभी के निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसे के जो लगा रहेगा। अच्छा ठीक है, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 9, 9 से 9, सुबह 9 बजे आए थे और रात को 10 बजे जा रहे हैं, इसका ही निकले। देखो 9 से 5 आपके टांगों में होना चाहिए दम, टांगों में दम होना चाहिए। और अंकित आपके लिए आगे आपकी हाथों की लकीरें गायब हो गई हैं। हाथों की लकीरें मिट गई हैं। मैं हेल्थी लोगों के हाथों की लकीरें मिट जाती हैं। मैं हेल्थी लोगों के हाथों की लकीरें मिट जाती हैं। नहीं, इतना भी मेहनत कस नहीं बनना है कि अपनी हाथों की लकीरें मिटा दो, जरूरी हो तो चाकू लो उससे काटो हाथ, लेकिन लकीरें बनाओ। लेकिन चाकू से हाथ तब काटना है जब आपके अंदर हो दम किसी के लिए अपना हाथ काटना। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ मुझे इसमें कितने कट लगाने पड़े। कट तो बहुत लगाने हैं, कट हर जगह लगाने होते हैं, बिना कट के दुनिया ही नहीं चलेगी। चलो एक कांस्टेबल आ गया है, बाय बाय, काव्य करते हैं विदा, बाय। मुझे याद दिन बहुत थक गए गाइस, बहुत थक। ओके गाइस फाइनली 5000 कदम पूरे हुए।